सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 21 दिसंबर 2021 की मुरली का सार प्रस्तुत है। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा चेहरा सदा खुशनुमा चीयरफुल हो, बोल में हिम्मत हो और स्पिरिट हो। चेहरा खुशनुमा, बोल में हिम्मत और स्पिरिट, तो तुम्हारी बात का प्रभाव अन्य आत्माओं पर अवश्य पड़ेगा, आपका रूहानी प्रभाव। आज की मुरली का प्रश्न था, कौन सी ड्यूटी व कर्तव्य शिव बाबा का है जो कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता? भगवान का ऐसा कौन सा कर्तव्य है जो कोई मानव नहीं कर सकता? विश्व में शांति की स्थापना करना व पतित सृष्टि को पावन बनाना, ये ड्यूटी एक परम पिता परमात्मा सदाशिव की है। कोई भी मनुष्य विश्व में पीस स्थापन नहीं कर सकता। कॉन्फ्रेंसेस बहुत होती हैं, पीस कॉन्फ्रेंसेस, पीस प्राइज भी देते हैं, नोबल पीस प्राइज भी देते हैं, लेकिन क्या दुनिया में पीस स्थापन हो गई? नहीं, क्योंकि भगवानुवाच पीस स्थापन तब होगी जब पहले प्योरिटी में रहे, मनसा वाचा कर्मणा। जब तक पवित्रता नहीं है, शांति हो नहीं सकती। प्योरिटी से ही पीस और प्रॉस्पेरिटी मिलती। बाप आकर ऐसी पवित्र दुनिया स्थापन करते हैं जहां पीस होती है, प्रॉस्पेरिटी होती, सब कुछ होता है। जो बच्चे संगम युग पर, जो युग अब चल रहा है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर लेते हैं, सुपर सेंसोस जॉय का, उन्हें सदा शांति और खुशी की डबल प्राप्ति का नशा रहता है। क्यों? क्योंकि अतीन्द्रिय सुख में ये दोनों प्राप्तियां समाई हुई है, सदा शांति और खुशी। अभी आप बच्चों को जो शिव बाबा और वर्षे की प्राप्ति है, ये सारे कल्प में नहीं हो सकती। ऐसी प्राप्ति सारे कल्प में नहीं हो सकती। इस समय की प्राप्ति अतीन्द्रिय सुख और नॉलेज, गॉडली नॉलेज भी फिर कभी मिल नहीं सकती, क्योंकि गॉडली नॉलेज तो गॉड ही आकर देते हैं। तो इस तरह हम सब डबल वर्षे के अधिकारी हैं इस वक्त। बाबा कहते हैं, मैं हूं पतितों को पावन बनाने वाला परम पिता परमात्मा, मैं नहीं होता तो तुम ब्रह्ममुख वंशावली ब्राह्मण कैसे बनते? तुम ब्राह्मण अब सीख रहे हो, वर्षा पा रहे हो, पुरुषोत्तम बन रहे हो। शूद्र तो वर्षा पा ना सके, जिनकी दृष्टि वृत्ति में शूद्रता है वो वर्षा नहीं पा सकते, अपवित्रता है। तो बलिहारी एक परम पिता परमात्मा की है। गाते भी है, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, वर्षा भी उन्हीं से मिलता है। भारत में देवी देवताओं के नाम के पीछे लोग अपना नाम रखते हैं, जैसे कोई लक्ष्मी नारायण, कोई सीताराम, कोई राधे श्याम, कोई रामचंद्र आदि आदि नाम रखते हैं। और किसी देश में ऐसा नहीं होता देवी देवताओं के नाम के पीछे नाम रखते हो। अभी कोई देवी देवता तो है नहीं, तो फिर देवताओं के नाम क्यों रख रहे हैं? क्योंकि ये जो देवी देवता थे, ये हमारे पूर्वज थे। आज भी कईयों के नाम के पीछे देवी और कुमारी, कुमार, ये शब्द होते हैं, क्योंकि ये देवताओं से जुड़े हुए शब्द हैं। एक ही व्यक्ति पर लक्ष्मी नारायण नाम रख देते हैं, सीताराम, जबकि लक्ष्मी और नारायण अलग हैं, सीता और राम अलग हैं। तो इन चीजों को समझने की जरूरत है।
यहाँ के लक्ष्मी नारायण नाम वाले मंदिरों में जाकर सतयुगी लक्ष्मी नारायण के आगे माथा टेकते हैं, पूजा करते हैं। यहाँ पे नाम उनका लक्ष्मी नारायण है और लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर माथा टेक रहे। अपने को कोई भी श्री नहीं कहला सकते, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण। श्री उन्हीं को कहते हैं जो पवित्र हैं, जो श्रेष्ठ हैं, जो पतित नहीं हैं। पतित श्री कैसे हो सकता है? ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं हमको शिव बाबा से शिक्षा मिल रही है। तुम भी शिव बाबा को याद करो, हम भी पुरुषार्थी हैं, हम भी पावन बन रहे हैं शिव बाबा की याद से। आप बच्चे शिव बाबा से योग लगाओ तथा मन वचन कर्म से पवित्र बनो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड में है पीस, परम धाम। इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, सोल वर्ल्ड, जहां आत्माएं रहती हैं वहां पीस है। और जब कॉर्पोरियल वर्ल्ड पैराडाइज आता है सतयुग त्रेता में तो वहां सुख। ये भी सबको समझाना है कि इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड और कॉर्पोरियल वर्ल्ड कौन से हैं। पढ़ने और पढ़ाने वाले बच्चे कभी छिप नहीं सकते। हाँ, तूफान तो हर एक को आएंगे, माया के तूफान तो आएंगे। ये पांच विकार बहुत तंग करते हैं। रावण राज्य में बुद्धि रांग काम ही कराती है। इस वक्त रावण राज, दुर्योधन, दुशासन, क्योंकि बुद्धि को ताला लग गया है। रावण राज मैंने विकारों का राज, माया ने सबको ताला लगा दिया है। ज्ञान का तीसरा नेत्र अभी मिला है भगवान से, शिव से। बाबा कहते हैं बच्चे ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए एक तो पवित्र रहो और एक परम पिता परमात्मा शिव बाबा को याद रखो, क्योंकि वही पतियों का पति है, गुरुओं का गुरु है, वो निराकार। तुम सब उसकी ब्राइड्स, आत्माएं। वही एक ब्राइड ग्रूम है। वो फिर समझ लेते हैं वे पति परमेश्वर है, वास्तव में परमेश्वर पति। तो बाप आकर माताओं का मर्तबा भी ऊंचा उठाते हैं। पहले लक्ष्मी, पीछे नारायण, पहले सीता, पीछे राम। तो माताओं को आकर परमात्मा उठाते हैं, क्योंकि इनका दो युगों से बहुत पतन हुआ, बहुत गिराया गया इनको। इसलिए बाबा कहते हैं जो बच्चे ज्ञान रोज सुन रहे हैं उनके वाणी में बहुत मधुरता, मिठास होनी चाहिए। मधुरता और स्पष्ट शब्दों में बात करने से प्रभाव पड़ता है। इन लक्ष्मी नारायण के चित्र को देख बहुत खुश होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा एम ऑब्जेक्ट है, नर से नारायण बनना, नारी से लक्ष्मी बनना। उसके लिए राजयोग की आवश्यकता है। इस वक्त तो सभी विषय विकारों के सागर में गोते खा रहे हैं। बहुतों को तो माया एकदम गले से पकड़ के गटर में गिला देती, विषय विकारों में, काम में। बाप कहते हैं गटर में मत गिरो, विषय विकारों के गटर में मत गिरो, नहीं तो बहुत बहुत पछताना पड़ेगा। देखो, ज्ञान मार्ग में तो सहन करना होता है, परमात्मा पर बलि चढ़ना होता है। शिव बाबा जो खिलाए, जो पिलाए, जहां बिठाए, हमें हर क्षण उनकी मत पर चलना है, अपनी मन मत पर नहीं चलना है। निरअहंकारी बनकर चलना है, अपना अहंकार नहीं दिखाना है, तभी हमारा कल्याण होगा। आज का स्लोगन है, एक दो के संस्कारों को जानते हुए उनसे मिलकर चलना, यही उन्नति का साधन है। जब भी कोई संगठन होता है तो आत्माओं के संस्कार आपस में टकराने लगते हैं, ईगो के कारण, कंपटीशन के कारण। तो बाबा कहते हैं अगर तुम उन्नति चाहते हो, क्योंकि हर आत्मा के संस्कार भिन्न भिन्न हैं, तो एक दूसरे को समझ के चलो, अंडरस्टैंडिंग से चलो, संस्कार मिलाकर चलो, तो संगठन मजबूत होगा और आपका स्व का भी उत्थान होगा, आत्मोन्नति होगी। तो सबसे संस्कार मिला के चले, तभी संगठन मजबूत होगा और हमारी उन्नति होगी। अच्छा, मीठे मीठे से किले जो बच्चों प्रति,
मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बस्ते, चलो प्रभु के रस्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ॐ शांति शांति शांति।